हेलो फ्रेंड्स, मैं डेन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टीके। इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के एक और टाइप टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारा होता है आयोडीमिट्री उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जो आयोडीमिट्री है उसके एडवांटेज एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन उसका एक यहाँ पे टाइप होता है। तो अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो अगर जो हमारा टाइट्रेशन है उसमें हम लोग आयोडीन को अगर इंक्लूड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइट्रेशन है वो यहाँ पे आयोडीन टाइट्रेशन कहलाता है। आसान तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हम लोग अपने टाइट्रेशन में आयोडीन को यूज कर रहे हैं वो हमारा आयोडीन टाइट्रेशन यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आयोडीन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारा आयोडीन है ये इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे एबिलिटी होती है वो जो हमारे यहाँ पे और ऑक्सीडेंट है वो जो कि हमारा एक तरह से होता है पोटेशियम जो हमारा होता है परमैंगनेट है वो सेरिक अमोनियम वो सल्फेट है या जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके कंपेरिजन में आयोडीन की जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कम देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा आयोडीन है वो एक प्रकार का यहाँ पे एक तरह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनके कंपैरिजन में इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है काफी यहाँ पे कम होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा आयोडीन है वो जब यहाँ पे होता है वो रिड्यूस होता है और यहाँ पे आयोडाइड आयन को जब वो फॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा आयोडाइड यहाँ पे आयन फॉर्म होता है फिर ये स्ट्रांग वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा आयोडीन है वो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है, तब ये यहाँ पे आयोडाइड आयन को यहाँ पे क्रिएट करता है, और ये जो हमारे आयोडाइड आयन है ये एक स्ट्रांग वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आसान तरीके से हम लोग इस प्लेस पे कह सकते हैं, हमने इससे पहले भी बात किया था कि जो हमारे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा आयोडाइड आयन है इसके ऊपर हमें यहाँ पे वो निगेटिव चार्ज देखने को प्राप्त हो रहा है, मीन्स ये अब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक तरह से डोनेट करेगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे काफी एक तरह से ज्यादा होने वाली है। तो इसके कारण ये हमारा स्ट्रांग वो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कहलाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं तो वो उसके अपोजिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को वहां पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वो रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन उसका वहां पे हमें एक तरह से गेन देखने को प्राप्त होता है, बट जो हमारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो हमारे ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को वहां पे डोनेट करने का काम करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इनकी प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट होती है, और जो हमारे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो हमारा वो रिडक्शन की प्रोसेस है उसकी जो आपका हम कह सकते हैं रिएक्शन हमें अलग अलग देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा आयोडीन का टाइट्रेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट वो टाइट्रेशन, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आयोडीमिट्री कहते हैं, और अगर इसके हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहलाता है, इसको हम लोग यहाँ पे आयोडोमेट्री से इंडिकेट करते हैं। तो अंतर यहाँ पे केवल आई और ओ का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आयोडीमेट्री के बारे में एक तरह से बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारा वहां पे एनालाइट है वो अगर एक प्रकार का यहाँ पे होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और उसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड आयोडीन का जो हमारा सोल्यूशन होता है उससे अगर उसका डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
इस प्रकार का जो हमारा टाइट्रेशन है वो हमारा यहाँ पे आईडी मेट्रिक कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम अपना जो टाइट्रेशन है उसमें स्टैंडर्ड आयोडीन का जो सोल्यूशन है उससे अपने जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो कि एक एनालाइट है उसका वहां पे डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइट्रेशन है वो हमारा आईडी मेट्रिक कहलाता है या इसको हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है वो सबसे पहले जो हमारा आयोडीन है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ये Ki3 को यहाँ पे फॉर्म करता है और इसमें हम लोग स्टार्च को एज ए इंडिकेटर यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो जो हमारा आयोडीन होता है वो जब हमारा जो एनालाइट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमें इस प्लेस पे यहाँ पे आयोडाइड आयन फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं जो कि एक वहां पे हम कह सकते हैं स्ट्रांग वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, आयोडोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एक तरह से एजेंट होते हैं उनका क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है उसको हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे कहते एक तरह से करते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग हमारे एजेंट होते हैं उनको जब हम लोग जो आयोडाइड है उसके अंदर जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो जो हमारा आयोडाइड है वो क्या है, ये एक स्ट्रांग यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से एनालाइट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे आयोडीन फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे आयोडीन हमारी एक तरह से वो रिलीज होती है उसका फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसको उपयोग करके फिर हम लोग इसका यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन होता है और इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है अधिकतर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है थायोसल्फेट का सोल्यूशन उसको अधिकतर यहाँ पे एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग उपयोग करते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पोटेशियम एक तरह से आयोडाइड होता है तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जब हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में ये आयोडीन को यहाँ पे एक तरह से रिलीज करता है। तो इस कंडीशन में ये कितना आयोडीन को वहां पे वो रिलीज कर रहा है उसका टाइट्रेशन फिर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग करके हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और इस कंडीशन में कितना आयोडीन उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग आसानी से वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा होता है आईडी मेट्रिक टाइट्रेशन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डायरेक्ट टाइट्रेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द डायरेक्ट टाइट्रेशन या आईडी मेट्रिक के बारे में। तो अगर हम लोग आईडी मेट्रिक के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा आयोडीन है ये एक प्रकार का हमारा ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पे एड करता है, तो इस कंडीशन में ये रिएक्ट करता है स्ट्रांग आयन जो हमारे होते हैं यहाँ पे वीक वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ में हमारा आयोडीन यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो इसमें जो हमारे होते हैं थायो सल्फेट्स होते हैं, हमारा आर्सेनिक होता है, हमारा वो सल्फाइड है, हमारा वो सल्फाइड है और एंटीमनी है और जो यहाँ पे टिन होता है ये हमारे यहाँ पे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो हमारा आयोडीन है वो यहाँ पे ऑक्सीडेंट है, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो यहाँ पे एसिडिक होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा आयोडीन है और जो हमारे स्ट्रांग यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनके बीच की जो रिएक्शन है वो हमें यहाँ पे काफी तेज देखने को प्राप्त होती है और कंप्लीट रिएक्शन हमें देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रांग है और जो हमारा वहां पे है सोल्यूशन वो एसिडिक है तो उस कंडीशन में आयोडीन के साथ में उसकी जो रिएक्शन है वो हमें काफी तेजी से और कंप्लीट रिएक्शन देखने को प्राप्त होगी। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे है रिड्यूसिंग एजेंट वो वीक है तो उस कंडीशन में क्या है कि इसकी जो आयोडीन के साथ में रिएक्शन होती है वो हमें इस प्लेस पे लेस क्वांटिटेटिव देखने को प्राप्त होती है, मीन जो हमारी रिएक्शन है वो हमें कंप्लीट होते हुए देखने को प्राप्त वो नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा टाइट्रेशन होता है
उसको हम लोग उसको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली वो न्यूट्रल या हल्का सा जो एसिडिक हमारा होता है वो सोल्यूशन उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारे यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी भी रिएक्शन हमारे आयोडीन के साथ में कंप्लीट हो जाए। तो आसान तरीके से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है, हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में अगर आयोडीन के साथ में रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्शन वहां काफी जो है तेजी से और कंप्लीट रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है। बट अगर जो हमारा यहाँ पे है वो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यहाँ पे वीक होता है और उसकी जो आयोडीन के साथ में रिएक्शन है वो फिर हमें वहां पे लेस क्वांटिटेटिव देखने को प्राप्त होती है। तो इसको जो हमारी रिएक्शन है उसको प्रॉपरली वहां पे कंप्लीट करने के लिए या तो हम लोग वहां पे एक तरह से वो न्यूट्रल या हल्का सा जो एसिडिक हमारा सोल्यूशन है उसको उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहां पे है एक तरह से वो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अगर वहां पे वीक भी है तब भी हमें रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग इस प्लेस पे ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा टाइटेशन हो रहा है अगर हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट वो वीक है तो उस कंडीशन में हम लोग पीएच को अप्रोक्सीमेटली वहां पे एक तरह से वो न्यूट्रल रखने का काम करते हैं या हल्का सा एसिडिक उसको वहां पे रखने का काम करते हैं। तो अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 0.05 mg आयोडीन सोल्यूशन के बारे में। तो इस कंडीशन में जो हमारा आयोडीन होता है उसका हम लोग यहाँ पे 0.05 mg आयोडीन का सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेते हैं एक तरह से 14 ग्राम हमारा आयोडीन लेते हैं और उसको हम लोग इस प्लेस पे हम कह सकते हैं वो 36 ग्राम का जो हमारा होता है पोटेशियम आयोडाइड का हमारा होता है एक तरह से सोल्यूशन जो कि 100 ml जो वाटर है उसके साथ में यहाँ पे बना हुआ होता है, उसमें हम लोग यहाँ पे 14 ग्राम आयोडीन को डिसॉल्व कर देते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग 36 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं और उसका हम लोग यहाँ पे 100 ml वाटर के साथ में एक यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं 14 ग्राम यहाँ पे आयोडीन लेते हैं और फिर उसको इस जो हमारा सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब ये यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग हल्का सा अमाउंट हम कह सकते हैं वो 3 ड्रॉप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं और फिर इसका जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसको वाटर को उपयोग करके 1000 ml तक हम लोग इसका वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 0.05 mg आयोडीन का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब हम लोग इसके यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अब जो हमारा आयोडीन का था सोल्यूशन वो तो प्रिपेयर हो गया, अब हम लोग उसको उसका स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे किस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक तरह से आर्सेनिक जो हमारा होता है वो ट्राईऑक्साइड होता है उसको भी उपयोग करके इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और जो हमारा होता है यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट उसको भी उपयोग करके हम लोग आयोडीन का स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो उसका हम लोग उसके थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.15 g आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को यहाँ पे वो लेते हैं और इसको हम लोग टाइटेशन में उपयोग करने से पहले हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 105 °C पे 1 घंटे तक पहले ड्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका यहाँ पे 0.15 g आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को एक्यूरेटली वेट करते हैं और फिर हम लोग इसको इस प्लेस पे अप्रोक्सीमेटली वो 20 ml हम कह सकते हैं कि 1 molar NaOH का जो सोल्यूशन है उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पे वो डिसॉल्व करते हैं और इसको प्रॉपरली यहाँ पे करने के लिए डिसॉल्व हम लोग हल्का सा उसको वार्म वहां पे कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जब जो हमारा यहाँ पे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है वो इसके अंदर जो हमारा NaOH है उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 ml वाटर को इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.1 ml जो हमारा होता है मेथिल ऑरेंज उसको यहाँ पे ऐड करते हैं और इसमें अब हम लोग जो हमारा होता है डाइल्यूट HCl उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे ऐड करते हैं और जो HCl है उसको यहाँ पे हम लोग तब तक ऐड करते हैं जब तक कि जो इसका होता है येलो कलर वो चेंज होके हमें पिंक कलर का देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं
कि यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से मेथिल ऑरेंज है, इसको हम लोग एसिड बेस्ड टाइटेशन में एज ए इंडिकेटर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऐड किया था NaOH अपने आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को प्रॉपरली यहाँ पे डिजोल्व करने के लिए, तो उसको फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से डायलूट HCl को ऐड करते हैं, और तब तक ऐड करते हैं जब इसका जो होता है येलो कलर वो हमें पिंक कलर का देखने को प्राप्त वो नहीं होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि अब जो हमने NaOH ऐड किया था उसका हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, ये इस चीज को यहाँ पे इंडिकेट करता है। हाँ, तो अब जब हमारा जो है सोल्यूशन वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली वो 2 ग्राम तक यहाँ पे जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट उसको यहाँ पे ऐड करते हैं अपने एसिड को कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव करने के लिए। तो अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे डायलूट करते हैं, हम कह सकते हैं 50 ml जो हमारा वाटर होता है उससे हम लोग यहाँ पे इसको एक तरह से डायलूट करते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे 3 ml तक स्टार्च का जो सोल्यूशन है जिसको हम लोग एज ए इंडिकेटर उपयोग करने वाले हैं उसको यहां पे ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग इसका टाइट्रेशन अपने जो आयोडीन का सोल्यूशन है उससे यहां पे इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमारा टाइट्रेशन है उसको हम लोग यहां पे तब तक करते हैं जब तक कि इसका जो होता है एक तरह से ब्लू कलर है वो हमें वहां पे एक तरह से परमानेंट देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि टाइट्रेशन को हम लोग यहां पे तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें जो ब्लू कलर है वो हमें वहां पे परमानेंटली देखने को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं, और जब हमारा ब्लू कलर वहां पे आ जाता है तब हम लोग उसके बाद में वो हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे ईच ml ऑफ 0.05 ml आयोडीन इज इक्विवेलेंट टू 0.004946 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के, ये यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा आयोडीन का यहाँ पे होता है सोल्यूशन उसको हम लोग यहाँ पे कुछ और प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिनको उपयोग करके उनका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं जैसा कि हमने आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के साथ में किया। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे Na2S2O3 है उससे भी हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, और जो हमारा होता है BaS2O3 है इससे भी हम लोग इसका यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा अगला विद द सोडियम थायोसल्फेट। तो जो हमारा यहाँ पे होता है सोडियम वो थायोसल्फेट होता है, उससे हम लोग यहाँ पे आयोडीन का जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसका किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा आयोडीन का यहाँ पे होता है सोल्यूशन उसको हम लोग यहाँ पे पीपेट आउट करते हैं, और फिर उसका जो टाइट्रेशन है वो हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है वो सोडियम वो थायोसल्फेट है उससे हम लोग उसका टाइट्रेशन करते हैं, और इसका टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे तब तक करते हैं वो जब तक कि जो हमारा वहां पे सोल्यूशन है उसका जो वहां पे कलर है वो हमें पेल येलो कलर का देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करेंगे कि जब हमारा जो कलर है वो यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर का, तो उसके बाद में हम लोग इसके अंदर स्टार्च का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, और अब हम लोग फिर टाइट्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इस कंडीशन में अब हम लोग इसका टाइट्रेशन यहाँ पे एक तरह से तब तक करेंगे जब तक कि जो हमारा सोल्यूशन है वो यहाँ पे कलरलेस हमें देखने को प्राप्त वो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब हमारा जो है सोल्यूशन वो कलरलेस हो जाएगा तो ये हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे एक तरह से कहलाएगा। अगर हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है उसके प्लेस पे हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बेरियम जो थायोसल्फेट है उसको भी एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है आयोडोमेट्री उसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे आयोडोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग इस प्लेस पे यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सोडियम टार्ट्रेट एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के जो एक तरह से उसका परसेंटेज प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आयोडोमेट्री को उपयोग करते हैं, और जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका भी जो हमारा होता है डिटर्मिनेशन उसमें भी हम लोग आयोडोमेट्री को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा है यहाँ पे आयोडोमेट्री वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो
कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।